सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे घर पे होममेड फ्रेश कंडेंस मिल्क। ये बिल्कुल मार्केट के जैसा है दोस्तों, या फिर कहें कि मार्केट से भी बेहतर है। शुद्ध, ताज़ा, बिना मिलावट का होममेड कंडेंस मिल्क है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा लीटर दूध और एक कप से थोड़ा सी कम है शुगर और पिंच ऑफ है सोडा। ये खाने वाला सोडा भी इसे कहते हैं, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड करो या फिर स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी दूध को। तो दूध को हमें एक उबाल आने देना है। आप चाहे तो कोई भी मिल्क ले सकते हो। भी आपको कोई भी मिठाई वगैरह बनाना हो तो आप घर पर ही कंडेंस मिल्क बना सकते हो। जिस चीज़ में भी इसे यूज़ करते हैं ना, उसकी रिचनेस 10 गुना ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने से अच्छा है कि आप फ्रेश शुद्ध घर पर ही बना लीजिए। तो इसे उबलने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए, एक बॉइल आ गया है, यानी कि हमें अब इसमें शुगर ऐड करना है। ये देखिए, अच्छे से उबल गया है। अब इसमें हमें शुगर ऐड करना है। शुगर आपको इतना ही ऐड करना है जितना कि मैंने लिया है, क्योंकि आप जो भी चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे ये होममेड कंडेंस मिल्क, उसमें आपको शुगर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका कंडेंस मिल्क ऑलरेडी मीठा होएगा। तो इसको देखिए, अच्छे से उबाल दिया है मैंने। अब इसको एक बार और उबालेंगे, उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये अपने आप पकते रहेगा, क्योंकि इसको धीरे धीरे भी इसे बीच बीच में चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसे छोड़ देंगे और ये पक जाएगा। तो ये देखिए, एक उबाल आ गया है। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पर कर दूँगी और बीच बीच में इसे चला दूँगी, क्योंकि ये ठीक होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसे चलाना भी ज़रूरी है बीच बीच में। तो चलिए इसको उबाल लेती हूँ मैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसमें हमें बस पिंच ऑफ सोडा ऐड करना है, जिसे हमें खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने से हमारा कंडेंस मिल्क जो है वो जमेगा नहीं, बहुत ही अच्छा से रहेगा। तो ये ऑप्शनल है, इससे टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें इसे वन पिंच ही इस्तेमाल किया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए, इसमें झाग आना शुरू हो गया, यानी कि इसमें अब हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। फटाफट से चलाते हुए कुछ मिनट के लिए इसको पकाना है। ये देखिए, अब ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और आपको इसको फटाफट से चलाते हुए पकाना है। देखिए कितना झाग आ रहा है, यानी कि हमारा कंडेंस मिल्क जो है और ठीक होना शुरू हो गया है। अब इसे कुछ ही मिनटों के लिए पकाना है, इसको ज़्यादा ठीक नहीं करना है। लेकिन आप इसकी थिकनेस देख सकते हो, कितनी अच्छी मार्केट के जैसी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि हमने मार्केट वाला ही कंडेंस मिल्क लिया है। तो देखिए, बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको रखेंगे, गरम गरम है ये, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये और भी ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इतना ठीक हो गया है। घर पे होममेड फ्रेश शुद्ध कंडेंस मिल्क इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर कभी आप मार्केट से नहीं लाओगे अगर ये वीडियो देख लिए हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।